जी हिंद दोस्तों, महाराष्ट्र के सुपे घाट में आपका स्वागत है। सुबह के 6 बजे और ठंड बहुत ज़्यादा है और इस वक्त लाइट जलाकर गाड़ियाँ इस घाट को पास करती हुई। इस टेम्पो में ये जो लेबर दिख रहे हैं आप, ये सिचुएशन ऐसी है महाराष्ट्र में, एक इलाका बिल्कुल सूखा है। धुले 40 गांव कहते हैं इसे, जलगांव, बीड, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से ये लेबर गन्ना कट करने के लिए, गन्ने का काम करने के लिए आते हैं और बहुत ही कष्टप्रद जिंदगी है उनकी, क्योंकि राजनेताओं ने कुछ जिलों के गन्ना कट करने के लिए कुछ जिलों में जानबूझकर पानी का सिंचन नहीं किया, पानी की योजना नहीं बनाई, ये सब पॉलिटिक्स चलता है, ये सच्चाई है। इसी बीच मेरे ख्याल से भारत बेंच नहीं, महिंद्रा प्लाजो है, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग, सुंदर गाड़ी, लेकिन पास कैसे करेंगे, लेन आपने चेंज कर दिए गाड़ी ने, महिंद्रा प्लाजो काफ़ी पावरफुल गाड़ी है लेकिन ज़्यादा सक्सेस हुई नहीं इंडियन रोड पर। टाटा लेलैंड जैसे ब्रांड है आगे, भारत बेंच है, सेल के मामले में गाड़ी थोड़ी पीछे, लेकिन एवरेज के मामले में मैंने महिंद्रा वालों से पूछा, वो सारे ड्राइवर से एवरेज काफ़ी अच्छा निकाल लेती है गाड़ी। ये पीबी पासिंग है, पंजाब पासिंग गाड़ी, सुंदर गाड़ी, सुंदर तरीके से निकलती हुई। और ये हरियाणा एक गाड़ी है 16-16, ये रात से बंद है यहाँ, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा ड्राइवर भाई साहब उठने के बाद अगर डीजल है तो ले आ सकते हैं मेरी गाड़ी पर, लेकिन कोई अलग प्रॉब्लम है तो जो भी ड्राइवर सुपा घाट में आते हैं। ये जो गाड़ी खड़ी है टर्न पे देख सकते हैं, यहाँ इस दीवार पर जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वहाँ कुछ फिटर के मतलब मिस्त्री के नंबर है गैरेज के, उनसे आप मदद सहायता ले सकते हैं। और ये ऐसे देखो, जो गाड़ी आगे गई थी लेबर लेके, उनके जो बैल है पशु, इनका भी बहुत बुरा हाल रहता है। 450 किलोमीटर नॉन स्टॉप इन्हें लाया जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में भरने की वजह से कुछ बैलों की मौत भी हो जाती है। और ये शुगर फैक्ट्री के लोग होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स, कोई एमएलए होता है, कोई कुछ होता है, तो आरटीओ इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता इन गाड़ियों पर, ऐसी बात है। इसी बीच और एक खूबसूरत गाड़ी अशोक लेलैंड है, 12 चक्का। ये ठंड जो होती है इस दिनों में इंजन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कूल रहता है, फैन इंजन को ज़्यादा गर्म होने नहीं देता, गाड़ी की ताकत बढ़ती है और ड्राइवर भाई साहब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। मेरे ख्याल से जो लिखा है गुजरात की गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी तरह से आरपीएम बना के आई है गाड़ी, दूर से ले ली है, रुकने की संभावना कम है। जी जे सही बात है, ये गुजरात पासिंग गाड़ी है और सुंदर तरीके से दूर से आने की वजह से। अब ये गाड़ी का यहाँ जो खड़ी है रुकी है, ये फायदा भी ट्रैफिक को हो रहा है, जिस लेन में चढ़नी चाहिए उस लेन में गाड़ियाँ जा रही है, ऐसी बात है। जिस गाड़ी का क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट खराब होगा, इंजन में दिक्कत होगी, वही गाड़ी रुकेंगी यहाँ, बाकी सब गाड़ियाँ आसानी के साथ निकल जाएंगी। बड़ी गाड़ी लोड छोटा, बहुत ही स्पीड के साथ आइस रही है। लेबर जाते हुई ले जाती हुई, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है और एक खूबसूरत गाड़ी,
अशोक लेलैंड है पहली चरण पर। सुंदर हॉर्न एक और देखेंगे, ये खतरनाक होता है, ये होता है यार। गाड़ी रुक गई, बाप रे, एमपीपी चाटती हुई ज्यादा से उठना कोशिश। अशोक लेलैंड नहीं, टाटा की गाड़ी है, जय महाराजेश्वर लिखा है, बड़ी गाड़ी है, 16 चक्का गाड़ी है। ड्राइवर सो गए है, हेल्पर को चलने को बिठा है, इसकी वजह से रुक गई गाड़ी। मित्तल ब्रदर्स की गाड़ी है, MP09 टाटा की मशीन, सुंदर गाड़ी, सुंदर तरीके से निकलती हुई।